आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ देख रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा मुझे जुकाम लगा हुआ है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। नादिर शाह की बात करने वाले हैं हम आज। नादिर शाह जिसने दिल्ली को इन्वेड किया और पूरी तरीके से लूट के ले गया था वो, ठीक है, 1739 में बहुत कत्लेआम मचाया था। भारत के इतिहास में इतना ज़्यादा कत्लेआम कभी नहीं हुआ जितना नादिर शाह ने किया। 1 लाख लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड 20 से 30 हज़ार कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आंकड़ा था ये। पूरे दिल्ली में, दिल्ली की गलियों में सिर्फ खून था, ठीक है। इतने खतरनाक, मतलब जो किताब लिखी गई है और ऐसे बयां किया हुआ है कि जो खूबसूरत गार्डन मुगलों ने बनाए थे वहां पे हिंदू मुस्लिम की लाशें थी, पत्तियां हरी नहीं पत्तियां लाल हो गई थी, नालों से खून बह रहा था, इतनी बुरी हालत करती था। कौन नादिर शाह? एक लुटेरा, एक सनकी राजा था ईरान का, बड़ा ही अजीब, बड़ा ही मूडी, बड़ा ही गुस्सहल। अब इसके मूड का इसलिए भी ऐसा बोला जाता है कि इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि इसने जो अपना जीवन है वो बड़ी गरीबी में बिताया था। चरवाहे थे इनके पिताजी, ये भी बड़ा गरीब था, इधर उधर काफी काम करता था, डकैत भी था, मजदूरी भी करता था। तो नादिर शाह का जीवन कुछ इस तरीके का था। कोहिनूर ले गया था, पीकॉक थ्रोन ले गया था जिसपे मुगल बैठते थे, जो उनकी तख्तपोशी थी। तो आज हम नादिर शाह की बात करेंगे। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मेडिवल हिस्ट्री पूरी कवर कर दीजिए, जो 4 लेक्चर्स बचे हुए हैं अकबर शाहजहां क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना, वो 85% पूरी हो चुकी है, ठीक है। मेरे 25 से ज़्यादा लेक्चर्स है मेडिवल हिस्ट्री। हमने शुरू की थी महमूद ऑफ गजनी से और पूरा वो स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद तुगलक्स, वो सब मैंने पूरा कवर किया है। हाँ, सिर्फ 3-4 लेक्चर्स बचे हुए हैं उसमें, जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। बहुत ही जल्द उनको कवर कर दूंगा, मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स में बिजी था इसलिए बायोग्राफी नहीं ला पाया, लेकिन बहुत ही जल्द इनकी बायोग्राफी आएगी और पूरी मेडिवल हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल लेटर मुगल्स कि हम इसमें भी बात करेंगे कि क्यों नादिर शाह ने भारत को इन्वेड किया और मुगल इतने कमजोर कैसे हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीरियस को रिकनेक्ट मेरे फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेनड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों नादिर शाह का जन्म 1688 में हुआ था। एक ट्राइब थी इनकी, ठीक है, जिसको अफशार्स बोला जाता था, ठीक है, वहां पे ईरान में खुरासन वैली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खुरासन था। देखिए उस समय एशिया क्या पूरी दुनिया में 3 सबसे बड़े एम्पायर थे, एक तो ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ ही रहा था। हम बात कर रहे हैं अगर यूरोप में, तो सबसे पहले तो यहां पे मैं अच्छी राइटिंग में लिख देता हूं, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो कि सबसे बड़ा था, प्रोबेबली सबसे बड़ा, जो यूरोप तक पूरा रूल उनका साम्राज्य था। दूसरा सफाविद एम्पायर, ठीक है, और तीसरा कौन? मुगल्स। बिल्कुल भैया, पूरी दुनिया की जीडीपी में 1/3 का कंट्रीब्यूशन मुगल। बड़ा ही भारत उस समय पूरी दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक था। तभी तो नादिर शाह ने बोला था कि भारत सोने की चिड़िया है, कुछ पर मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 सबसे बड़े साम्राज्य थे। ईरान में सफाविद एम्पायर का राज था, लेकिन वो जब नादिर शाह का जन्म हुआ वो डिक्लाइन पे था, डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया था उनका। कोई बहुत बड़ा राजा बाद में नहीं आ पाया था, जैसे मुगल्स के साथ हुआ था। तो उस समय सुल्तान हुसैन रूल कर रहे थे जब नादिर शाह का जन्म हुआ। अफशार्स डायनेस्टी के साथ, अफशार्स ट्राइब थी, याद रखिएगा, ठीक है, इनका जो क्लैन था वो अफशार्स था। ट्राइब्स की जहां तक बात करें तो इनको बड़ा ही, मतलब, एक लुटेरा दिखाया जाता है, ये आपको पता ही है, क्योंकि मैंने जब मंगोल्स की बात की थी, मैंने जब चंगेज खान की बात की थी, तो वो भी ट्राइब, मतलब वो भी ट्राइबल था, ठीक है। तो ये लुटेरे थे, ठीक है। ये इनको बोला जाता है कि इन एकदम अनपढ़, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं कोई, बस इनको एक ही चीज आती थी, लूटना, है ना। और ये सच भी है, बहुत जगह सच भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको कोई सेंस ऑफ गवर्नेंस नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। पहला नोमैडिक एम्पायर, इतना बड़ा नोमैडिक एम्पायर अगर चंगेज खान बना लेता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया रहता है, तो हम ये कतई नहीं कह सकते कि इनको सेंस ऑफ गवर्नेंस नहीं था। ये महज लुटेरे नहीं थे, और भी बहुत थे, लेकिन हाँ, जब ये रेड डालते थे, ट्राइब्समैन एकदम ब्रूटली रेड करते थे, ठीक है, आसपास के जो भी गांव है उसको पूरी तरीके से लूट लेते थे, तो वो बड़ा खतरनाक होता था, किसी को नहीं छोड़ते थे। औरतों बच्चों को स्लेव बना लेते थे। नादिर शाह ने भी जब दिल्ली पर अटैक किया तो 10,000 औरतों बच्चों को स्लेव बना के वो ले गया। 1526 में दोस्तों यहां पे बाबर का अटैक, और 213 साल बाद फिर नादिर शाह का अटैक हुआ, ठीक है।
और ये बहुत ही ब्रूटल अटैक था। और 1526 के बाद कोई बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ था भारत पे, नादिर शाह इसके बाद पहला था जिसने अटैक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है ये क्योंकि इसके बाद सब लोग यहां पे आने लगे। जब नादिर शाह इतनी बुरी तरीके से लूट के ले गया, मोहम्मद शाह को भीख मांगनी पड़ी कि हमको बख्श दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, खजाने की चाबी दे दी, सब कुछ दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली आ गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं पुर्तगाली आ गए, ब्रिटिशर तो थे ही, तो सॉरी फ्रांसीसी आ गए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके बाद ये जो नादिर शाह ने इन्वेड किया था, सबका आना शुरू हो गया यहां पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिलहाल अभी हम बहुत जल्द आएंगे दिल्ली पे, कैसे इन्वेड किया, बड़ी खतरनाक स्टोरी और बड़ी क्या कहते हैं कि बड़ी दयनीय स्टोरी है ये, अभी देखेंगे हम उसे। ठीक है, इनके पिताजी चरवाहे थे और बहुत जल्दी इनके पिताजी का देहांत हो गया, 13 साल का था ये। फिर इसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कभी मजदूरी करता था, ठीक है, कभी इधर उधर छोटे मोटे काम करता था, कभी ये फायरवुड, ठीक है, जो आग जलाने वाली लकड़ियां होती है वो बेचा करता था मार्केट में जाके। ठीक है, तो बड़ा गरीबी से इसने अपना जीवन गुजारा, इसने कभी समृद्धि देखे ही नहीं, लेकिन बाद में ये थोड़ी बहुत डकैती भी इधर उधर करने लगा था। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि उस समय सफाविद जो थे वो बहुत ही वीक रूलर्स थे, बहुत ही वीक रूलर्स थे, मतलब जो लेटर सफाविद से आए थे। ठीक है, तो लेटर रूलर्स जो थे वो इतने ताकत थे ही नहीं कि इस एम्पायर को चला पाए। ठीक, अब यहां पे हम ये देखते हैं कि एक बार ऐसी कहानी है, एक लेजेंड है कि उज्बेक टाटार्स ने, ठीक है, ये पूरे खुरासन के प्रोविंस को पूरा इन्वेड कर दिया, पूरा इन्वेड कर दिया यहां पे, और बहुत सारे पेजेंट्स को मार दिया, बहुत सारे किसानों को मार दिया, और नादिर और उसकी माता जी को, मदर को ले गए, वो स्लेव बना लिया, मदर के साथ बुरा काम किया और मदर भी कैप्टिविटी में मर गई। ये जो इवेंट है ये नादिर के एकदम दिमाग में छप गया था और बोला कि अब मैं बदला लूंगा चाहे जो हो जाए। दोबारा ये 1708 में आया वापस खुरासन, जब किसी तरीके से बच बचा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब हम देखते हैं, देखिए वैसे तो बहुत कुछ हुआ था, हम अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पूछा नहीं जाता है कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं कहानी जरूर बताऊंगा कि नादिर शाह, ये नादिर शाह बना कैसे। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं कि 1736, 8 मार्च 1736 में इसको क्राउन किया गया। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बीच क्या हुआ, तो इस बीच दोस्तों देखिए, क्योंकि सफाविद जैसा कि मैंने कहा ईरान को 1502 से ये रूल कर रहे थे। ठीक है, अब ईरान को 1502 से रूल तो कर रहे थे, लेकिन बाद में बिल्कुल ही जब नादिर शाह था तब ये बिल्कुल ही एकदम डिक्लाइनिंग फेज पे गया, तो बड़ा खतरा था, इधर रशिया का खतरा था, इधर अफगान्स का खतरा था, इधर ऑटोमान्स का खतरा था, तो इन तीनों ने एक साथ अटैक किया। पहले तो सबसे पहले गिलजाई जो कि एक ट्राइब थी अफगान की, उन्होंने अटैक किया, खुरासन पे अटैक किया और सुल्तान हुसैन को भागना पड़ा। ठीक है, फिर बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, यहां पे अटैक किया, कोई ज्यादा ताकतवर रूलर था नहीं, ये पूरे एरिया उस समय जो कैपिटल थी, ठीक है ना, यहाँ की जो कैपिटल थी उसको इन्होंने हम देखते हैं कैपिटल इस्फाहान, इस्फाहान नाम था, गिलजाई अफगान्स ने अपने पास ले लिया। ठीक है, और हरा दिया यहां पे सफाविद को। ठीक है, उधर रशिया ने अटैक कर दिया, रशिया ने काफी पार्ट ले लिया, इधर ऑटोमोन्स ने अटैक कर दिया, ऑटोमोन्स ने कुछ पार्ट लिया, तो बट गया था सफाविद डायनेस्टी की ये फेलियर थी। अब जो सुल्तान हुसैन का लड़का था शाह तमास, उसको अपनी टेरिटरी वापस चाहिए थी। नादिर शाह का उदय यहां से होता है, नादिर शाह यहां पे जो गिलजाई अफगान्स थे उनसे थोड़ी झड़प हुई और उसने क्या किया, अपनी छोटी सी आर्मी बना ली और यहां पे वो भिड़ने लगा। तो जब शाह तमास के कानों में ये खबर पहुंची कि एक लड़का है और बड़ा ही ताकतवर है, तो शाह तमास नादिर शाह के पास गया, बोला कि देखो हमारे ईरान को सब लूट रहे हैं, हम दोनों साथ में मिलके इन सबको बाहर खदेड़ते हैं और जब हम जीतेंगे तो मैं तुमको अच्छी खासी टेरिटरी दूंगा। तो नादिर शाह मान गया और उसके बाद फिर बहुत सारी बैटल्स होती हैं दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ गुलनाबाद लड़ी गई, बैटल ऑफ गुलनाबाद बेसिकली तो 1722 में लड़ी गई थी और इसी बैटल में अफगान्स ने सुल्तान हुसैन को हरा दिया था और जो कैपिटल थी इस्फहान को ये पूरा इसको बिसीज कर लिया था। तो एक तरीके से बैटल ऑफ गुलनाबाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे ईरान पे जो कंट्रोल है वो अफगान्स का हो गया। फिर उसके बाद शाह तमास मिले और शाह तमास ने बोला कि कुछ करो। तो अगले 13 साल 1722 से लेकर 1735 तक
नादिर शाह ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी कि सबको खदेड़ दिया, सबको, कोई बचा ही नहीं, पूरे ईरान को जीत लिया इसने। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो नादिर शाह ने इस वाहन में जो अफगान थे उनको हराया। ठीक है, 1729 की बात है, और शाह तमाश टू को ये उनको दिया कि ये लीजिए आपकी कैपिटल। ठीक है, यहां पे गिलजाई ने हमला किया था, मैं आपको वापस दे रहा हूं। बड़ा खुश हुआ, तुरंत ही उसको गवर्नर बना दिया, जो उस समय ईस्टर्न प्रोविंस थी खुरासन में, वहां का इसको गवर्नर बना दिया कि आज से तुम यहां के गवर्नर। बड़ा खुश हुआ। ठीक है, 1730 में ओटोमॉन्स ने जो टेरिटरी ली थी अटैक किया यहां पे नादिर शाह ने, ओटोमॉन से उसने वापस टेरिटरी रीगेन की। और 1730 से 1735 तक के पर्शियन ओटोमॉन्स वॉर हुए, काफी इसमें बैटल्स हुई, छोटी छोटी लड़ाइयां हुई पर्शियंस और ऑटोमॉन्स के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली जीता नादिर शाह, ओटोमॉन्स हार गए। तो 1735 आते आते हम देखते हैं कि इसके पास काफी ज्यादा अच्छा खासा ये टेरिटरी हो गई थी। और यहां पे शाह तमास ने सोचा कि देखिए यही होता है कि उसने अपनी सब कुछ दे दिया था इसको, आर्मी भी दे दी और सब कुछ, लेकिन नादिर शाह इतना ताकतवर हो गया था कि शाह तमास की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो उसको साइडलाइन कर दिया। और नादिर शाह ने 8 मार्च 1736 में एक नई डायनेस्टी का, अश्वार डायनेस्टी, अश्वारी डायनेस्टी, क्योंकि इसी ट्राइब का था, इसी क्लैन का था, इसकी नींव रखी, जो कि 11 साल जब तक मरा नहीं नादिर शाह 1747 में, तब तक चली है ये। ठीक है ना, और इसी दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी दौरान नहीं, मतलब थोड़ा टाइम बाद ये तो आएगा, वैसे तो जब स्टीम इंजन बना था तब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो यूरोप से आगे बढ़ा, तो ये सारी चीजें हुई। अब 1736 में इसने ईरान की गद्दी संभाल ली, शाह ऑफ ईरान, 8 मार्च 1736, क्या बात है, सब कुछ इसके पास, नोबिलिटी इसके पास, सब कुछ। और उसने फिर शिया इस्लाम, और आज भी आप देखते हैं ईरान में शियाइज्म है। ठीक है, हालांकि इसने सुन्नी को भी कभी नाराज नहीं किया, ठीक है, जो शिया इस्लाम की कुछ प्रैक्टिसेस थी जो उनको ऑफेंड करती है, तो दोनों को ये लेके चला है ना। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि अफगान्स क्या थे, कि जब अटैक किया नादिर शाह ने, तो अफगान्स ने भारत में शरण ले ली, कुछ अफगान्स यहां पे आ गए थे। तो यहां पे जो रूल कर रहे थे मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से उनको बादशाह बनाया गया था, कई बार मैंने उनका जिक्र भी किया है, मेरी बैटल सीरीज आप देखिएगा तो मैंने बताया उसमें लेटर मुगल्स के बारे में, अभी बताऊंगा अभी। तो यहां पे मोहम्मद शाह बड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे, और बड़ा उनको शेर व शायरी का शौक था, याश आदमी थे एक तरीके से, तो उन्होंने इनको वापस देने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, अब बताइए, इतना बड़ा वॉरियर आपसे बोल रहा है कि हमको वापस दो, आपके पास कुछ भी नहीं है, और ये लेटर मुगल्स वैसे भी इनका खजाना खाली हो गया था, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हमारे मेहमान हैं। यहां पे नादिर शाह का मूड खराब हो गया कि ऐसा कैसे, अब यही होता था अफगानिस्तान, जितने भी अफगान्स थे ना, क्योंकि अफगानिस्तान से खैबर पास होते हुए पाकिस्तान फिर भारत आ जाओ, तो सबसे उनके लिए सेफ पैसेज यही था। और मुगल्स उस समय बड़े ताकतवर भी थे, हालांकि उस समय तो नहीं, लेकिन बड़ा नाम था इनका। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि मूड खराब हो गया नादिर शाह का, कि तुमने ऐसा कर कैसे दिया, तुम्हारी औकात इतनी कैसे होगी। तो दो यहां पे मकसद थे भारत को इन्वेड करने के लिए, एक तो रिवेंज कि आपने हमारे जो हम पे जिन पे जिनमें हमला किया है और जो हमारे दुश्मन है, आप हमको सौंप नहीं रहे, तो हम तुमको तो खत्म कर देंगे। दूसरा, भारत की वेल्थ। ठीक है, इतना अमीर था भारत, बहुत अमीर था, बहुत पैसा था, हीरे जवाहरात, तो इसलिए भी नादिर शाह चाहता था कि इतना नाम है मुगल्स का तो हम तो लूटेंगे, कुछ भी करके हम लूटेंगे। तो नादिर शाह जो है अपने साथ वो सब लेके गया, पूरी आर्मी लेके गया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ऑटोमान से ट्रीटी साइन की, यहाँ पे रशिया से ट्रीटी साइन की, तो कुछ पार्ट रशिया का भी था, ग्रीक का भी था। ठीक है, ग्रीक का नहीं था, मैं भूल गया एक्चुअली, नाम भूल गया मैं एक्चुअली, जो देश और जो राजा था। ठीक है, मतलब रशिया के जो पार्ट्स थे, ठीक है, जो बाद में सोवियत के पार्ट्स बने, वो इनके साथ गए। ठीक है, और ऑटोमॉन्स के भी, सब ट्रीटी शायद साइन थी, लेकिन मुगल्स की आर्मी तो बहुत बड़ी है, अब क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा हुआ कि अगर मुगल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये था कि मुगल्स की आर्मी डेफिनेटली बहुत बड़ी थी, नादिर शाह की आर्मी इतनी बड़ी नहीं थी। सबसे पहले तो नादिर शाह तनतनाते हुआ आया, पूरी आर्मी लेके आया। ठीक है, उसने कांधार पे कब्जा किया, उस समय मुगल्स की जो टेरिटरी थी वो पूरी अफगानिस्तान तक जाती थी। ठीक है, काबुल, कांधार, यहां पे अफगानिस्तान के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वहां पे इसने कब्जा किया। अब ऐसे आते 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 गजनी हो गया, काबुल हो गया, पेशावर, सिंध, लाहौर, ये सब कब्जा किया। ठीक है, आते आते भैया मोहम्मद शाह के पास खबर पहुंची है कि आ रहे हैं नादिर शाह, कुछ करो। ठीक है,
अब मोहम्मद शाह की हालत खराब हो गई कि क्या करें। तो सबसे पहले तो जब नादिर शाह लाहौर पहुंचा, तो देखिए क्या है ना कि लाहौर जब इसने पहुंचा तो वहां का जो गवर्नर था उसने बड़ी चालाकी की, बहुत अच्छा किया कि पता था कि नादिर शाह अगर आएगा तो सबको मार ही देगा, काट देगा, हम कोई चांस नहीं हमारे पास। तो वहां पे 50 लाख इसको दिए और कुछ हाथी दिए कि ये संधि कर लो और तुम खून खराबा मत करो, तुमको जो चाहिए तुम ले जाओ। तो यहां पे लाहौर को तो बख्श दिया, कैप्चर हाथ में आ गया इनके पास, लेकिन लाहौर पे खून खराबा नहीं हुआ, हम ये देखते हैं। तो अफगानिस्तान से आके फिर यहाँ पे जो आज का पाकिस्तान है, उस समय तो भारत का था, तो वहां पे आया। फिर उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ ये कूच करने लगा। अब दो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एक तो नादिर शाह के मोहम्मद शाह के सादत खान, जो कि उस समय अवध के गवर्नर थे, अवध का रूल मतलब अवध को रूल करते थे। दूसरा यहां पे हम देखते हैं निजामुल मुल्क, जो कि डेक्कन के थे, ठीक है, वहां के निजाम थे। तो ये सादत खान और निजामुल मुल्क, ये दोनों मोहम्मद शाह के बहुत क्या कहते हैं कि बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, मतलब बड़े बड़ा ट्रस्ट करता था इन पे, ठीक है। लेकिन दोनों आपस में बड़ा जलते थे, ये चाहते थे कि मुझे गद्दी मिले, मुझे गद्दी मिले। और यही इसी वजह से नादिर शाह इन्वेड कर पाया, आपस में फूट थी। मोहम्मद शाह ने एक वॉर काउंसिल बुलाई और उसके बाद फिर ढेर सारी जो फौज है उसको इकट्ठा किया और बोला कि नादिर शाह के खिलाफ कैंपेन करो वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 3 लाख से ज्यादा आर्मी जो गई थी वो फेस करने गए थे। ये लेटर मुगल्स है। और ये डिसइंटीग्रेशन औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की पॉलिसी ऐसी थी दोस्तों कि पूरा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। बहादुर शाह आया 1707 से 1712, देख लीजिए, जहानदार शाह, फारूक सिया, फिर मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748, फिर उसके बाद अहमद शाह और आलमगीर टू, फिर शाह आलम टू, ठीक है, जिसके रीन में ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई, फिर अकबर टू, और फिर लास्ट बहादुर शाह जफर। तो ये लेटर मुगल से आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा क्योंकि ये इतने ताकतवर ही नहीं थे। पूरा डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया औरंगजेब के बाद। औरंगजेब के पॉलिसीज ऐसी थी कि किसी ने मदद भी नहीं की, सिख ने अलग अलग साम्राज्य बना लिया, मराठा तो वैसे ही सर का दर्द बन गए थे, सबसे बड़ा एम्पायर उभरा वो, बंगाल ने अपना आजाद घोषित कर दिया, बिहार अपना। तो यहाँ पे इनका सब भारत में डिसइंटीग्रेशन जो है वो शुरू हो गया था। ये आर्मी देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये मैप है, विकीपीडिया से मैं लाया हूँ, ये देख लीजिए, ये मुगल्स की आर्मी है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क, ये मुगल्स का कैंप है, ये इधर फॉरेस्ट है, ये आपकी पर्शिया की आर्मी है, ठीक है, ये तामास्प, ठीक है, उसके बाद मुर्तजा रजा अली खान, नादिर शाह, यहाँ पे ये पर्शिया का कैंप है, ठीक है। और ये नदी है, आप देख सकते हैं, ये अली मर्दान रिवर, इसको क्रॉस करके उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि ये जो बैटल ऑफ करनाल, ये करनाल से पहले, दिल्ली से पहले करनाल जिस समय हरियाणा में है वहां पर ये बैटल लड़ी गई, और करनाल में इनकी पूरी फौजें तैनात थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बैटल ऑफ करनाल तो लड़ी गई, और देखते हैं हम ये भी 1739, ये 23 फरवरी होगा, ठीक है, ये 23 फरवरी होगा, तो 23 फरवरी 1739 में 3 घंटे बैटल चली। 1526 आज से 213 साल पहले जब बाबर आया था तो बाबर ने 6 घंटे में हराया था। अब मुगल्स को वही फेस करना था जो उन्होंने 1526 में किया था, ठीक है। नादिर शाह की आर्मी बड़ी कमजोर थी, बड़ी कम थी, लेकिन मतलब कमजोर इन द सेंस कि कम लोग थे उनमें, 6-1 आउट नंबर किया था यहां पे, ठीक है। मुगल आर्मी मतलब अगर नादिर शाह का एक सोल्जर था तो मुगल का 6 सोल्जर था, तो 6-1 से आउट नंबर किया था, लेकिन उसके बाद बावजूद मुगल हार गए। क्यों हार गए? सादत खान और निजामुल मुल्क की बदौलत। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब ये दिल्ली आ रहा था तो यहां पे मोहम्मद शाह ने इसको कन्विंस कर लिया था नादिर शाह को कि आप ऐसा है 50 लाख रुपए ले लो और कुछ घोड़े हाथी ले लो और निकल जाओ यहां से। तो नादिर शाह कन्विंस हो गया था, लगभग लगभग कन्विंस हो गया था, लेकिन सादत खान जलन के चक्कर में वापस गया नादिर शाह के पास और उसने कन्विंस किया कि नहीं नहीं आप दिल्ली पे अटैक करो, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास बहुत खजाना है, ये पलाना धमाका, आप दिल्ली पे अटैक करो। तो नादिर शाह का वहां से मूड बदल गया, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली जब मोहम्मद शाह ने मीर बख्श बना दिया था निजामुल मुल्क को, बड़ी पोजीशन दे दी थी, तो सादत खान का मूड खराब हो गया था कि ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे क्योंकि उसको गद्दी चाहिए थी तो नादिर शाह के पास चला गया कि सब नाटक है, आप आओ अटैक करो, आप दिल्ली चलो तो एक बार देखो, तो वहां पे आपको खुद पता चल जाएगा। तो मोहम्मद शाह को यहाँ पे बुलाया, ठीक है, हरा तो दिया ही था यहाँ पे, ठीक है, बैटल ऑफ करनाल पे पूरी तरीके से हरा दिया था, आउट नंबर कर दिया था, 3 घंटे में ये बैटल खत्म कर दी थी। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे हो गया, देखिए निजामुल मुल्क और सादत खान की बदौलत हुई, साथ ही साथ ये जो लेटर मुगल्स थे ना इनके पास कुछ था ही नहीं, मोहम्मद शाह के पास, वो तो एक शायर इंसान था, अय्याश इंसान था, उसको क्या लेना देना आर्मी क्या कर रही है, कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी यहाँ पे मुगल्स के पास, ठीक
ठीक है, इधर उधर के लोग इकट्ठा किए, जैसे औरंगजेब, औरंगजेब ने बड़ा ताकतवर एम्पायर, अगर औरंगजेब होता तो नादिर शाह इन्वेड नहीं कर पाता क्योंकि बड़ा ताकतवर था वो, लेकिन औरंगजेब चला गया, 19 साल का तो था, 1718 में सईद ब्रदर्स की हेल्प से 19 साल का तो था जब मोहम्मद शाह ने मुगल की गद्दी को संभाला, और उसको कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, दूसरी चीज ये भी है कि अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे जब इतना खतरनाक मारा जा रहा है लोगों को तो बाहर से मदद क्यों नहीं आए, कौन मदद करेगा, सबसे तो मुगल्स ने दुश्मनी मोल ले ली थी, मराठा ने अपना पल्ला झाड़ लिया था, वो एक्सपैंड कर रहे थे, राजपूत अलग हो गए थे, इधर सिख और मुगलों की तो बहुत भयंकर दुश्मनी थी, कितनी बुरी हालत की थी दोस्तों, 20 साल में सिखों को जंगलों में छुपना पड़ा था, वो एक अलग कहानी है, मैंने बताया आप देखिएगा वैसे जो सिखों की हिस्ट्री मैंने कवर की है, तो यहां पे कोई मदद का सवाल ही नहीं था। तो नादिर शाह की बात करें तो यहां पे उसने बैटल ऑफ करनाल जीत ली। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल जीतने के बाद उसको कन्वेंस किया गया कि आप दिल्ली आओ, दिल्ली आओ, सादत खान ने कन्वेंस किया आओ दिल्ली, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम दिल्ली चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। मोहम्मद शाह को बुलाया, मोहम्मद शाह कांपते कांपते गए। ठीक है, तो मोहम्मद शाह को वैसे इसने इसलिए बुलाया था कि मतलब बातचीत करने के लिए, तो मोहम्मद शाह को लगा कि जो उसने प्रस्ताव दिया है कि 50 लाख, मान गया है नादर शाह, तो बड़ा खुश होकर गया, कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ गया, लेकिन नादर शाह को यहाँ पे अपने कैंप में बंदी बना लिया, जैसे ये होता था बहुत उस समय। ठीक है, और नादर शाह से ये बोला कि अब तो हम दिल्ली लेंगे, तुम्हारा खजाना लूटेंगे, पूरा खजाना लूटेंगे, ऐसी की तैसी तुम्हारी, जाओ दिल्ली जाओ और मेरे स्वागत, मेरा जो भव्य स्वागत करो, ठीक है, मेरे समारोह की तैयारी करो। तो यहां पे हम देखते हैं कि नादर शाह जब दिल्ली में एंटर होता है तो एक बहुत भव्य समारोह की तैयारी, इधर उधर हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, पूरे गार्ड्स खड़े हैं रोड की साइड्स में, और बीच में नादर शाह जो है एकदम एक वॉरियर की तरह, जैसे उसने मतलब फतेह कर लिया उसने दिल्ली, वो ऐसे आ रहा था, और रेड फोर्ट में अपना महल तक यहाँ पे मोहम्मद शाह ने दे दिया था, इतना खौफ हो गया था नादर शाह का कि ये क्या करेगा। ठीक है, बहुत बुरी हालत हो गई। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि 1-2 महीने बीत गए, ठीक है, नादर शाह जो है वो 1 महीने बीत गए, वो दिल्ली में ही था, यहाँ पे आराम कर रहा था, यहां तक कि मोहम्मद शाह ने जो खजाना होता है ना, खजाना उसकी चाबियां तक नादर शाह को दे दी, क्या को जो ले लो ले लो। मार्च आ जाता है दोस्तों, 22 मार्च का दिन हुआ क्या था कि एक कहानी, इसमें दो कहानी है बेसिकली, एक कहानी ये है कि ऐसा बोला जाता है कि जो नादर शाह के सिपाही थे वो दिल्ली में जो पहाड़गंज में बहुत बड़ी मार्केट लगती थी, आज का जो पहाड़गंज है, क्योंकि नादर शाह ने इन्वेड किया, युद्ध हुआ तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो इसके सिपाही जब सामान खरीदने गए तो उनको बड़ा महंगा लगा, और उन्होंने बोला कि ये प्राइसेस फिक्स कर दो, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े कम प्राइस रखो, इतने महंगा तो सामान हम नहीं खरीद पाएंगे। तो यहां पे उनकी नोकझोंक हुई, और इस नोकझोंक में दिल्ली के लोगों ने, वहां के व्यापारियों ने ईरान के सोल्जर्स को मार डाला। दूसरी कहानी यह भी है कि जब नादर शाह यहां पे आया तो एक र्यूमर फैल गई थी कि नादर शाह को एक फीमेल बॉडीगार्ड ने मार डाला है, ये र्यूमर फैल गई थी। तो अब इस र्यूमर के चलते क्या हुआ कि लोगों को लगा कि तो नादर शाह मर गया, तो वहां पे ईरान के कुछ 900,000 सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था, कत्लेआम उनका भी कर दिया था। अब ये जब बात नादर शाह को पता चली, पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ऐसा तो हो गया। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो सुबह उठा, ठीक है, उसने पूरा अपना आर्मर पहना, गया वो सुनहरी मस्जिद में गया, वहां पे उसने उस पे किसी ने गोली चला दी, ये बड़ा खतरनाक इंसिडेंट। अब जैसा ये सब हुआ, नादर शाह वैसे ही बहुत गुस्साया हुआ था कि ऐसा हो कैसे सकता है, उसने अपनी तलवार जो है वो निकाली और ऊपर कर दी, सूरज चमक रहा था और तलवार ऊपर कर दी, सूरज की किरणें तलवार पे पड़ी, ये साइन होता था, ये साइन होता, इसलिए जब तलवार को ऐसे निकाल के ऊपर करता था तो ये साइन होता था कि जब तक तलवार मयान में नहीं जाएंगी मारो सबको, आर्मी को इसका मतलब पूरी खुली छूट दे दी, आर्मी ने कत्लेआम करना शुरू किया। ठीक है, जो भी एरिया था जो मिला आर्मी को काटते गए लोग, यहां पे नादर शाह ने, नादर शाह के सोल्जर्स ने बुरी तरीके से काटना शुरू किया, दरीबा बाजार जो हो गया, चांदनी चौक हो गया, फतेहपुरी हो गया, हौस खास हो गया, बहुत सारे एरिया, पहाड़गंज हो गया, जो मिला, कुछ भाग गए कुछ नहीं भाग पाए, बहुत मारा, बच्चे बूढ़े सबको काटना शुरू किया अपनी तलवार से, और ऐसे लाशों को फेंक दिए, वो ना नालियां जाम हो गई थी, खून इतने, जो गार्डन जो है वो इतनी खूबसूरती से बनाए गए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लाशें बिखरी हुई थी, हिंदू मुस्लिम की लाशें बिखरी हुई थी, हर तरफ मांस के लोथड़े थे। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी, पूरी जो गलियां है वो खून से रंग गई थी, इतनी बुरी।
अब ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख से ऊपर मारा था यहां पे नादिर शाह ने, बहुत बड़ा, एक दिन में, ठीक है, एक दो दिन में इतना कत्लेआम हुआ था। लेकिन जो ऑफिशियल है वो 20 से 30 हजार बताते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत लोग मारे गए थे। तो लोग जो है वो डर के मारे पहुंचे मोहम्मद शाह के पास, गिड़गिड़ाया उनके सामने कि सर कुछ करिए, क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कुछ करिए। तो मोहम्मद शाह से देखा नहीं गया, मोहम्मद शाह वैसे ही एक बड़े, तो मोहम्मद शाह गए उसके बाद फिर भीख मांगी नादर शाह से कि भगवान के लिए, खुदा के लिए ये कत्लेआम बंद किया जाए, मैं आपके सामने झुक रहा हूं, आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, ये कत्लेआम बंद कर दीजिए, मत मारिए आवाम को। तो मोहम्मद शाह ने भीख मांगी, नादर शाह ने फिर फाइनली ये कत्लेआम स्टॉप किया, लेकिन उसकी शर्त थी, शर्त ये थी, एक तो 10 हजार औरतों बच्चों को वो ले गया था एज अ स्लेव बना के, ठीक है, ये हमारी विक्ट्री है। उसके बाद पीकॉक थ्रोन ले गया था, पीकॉक थ्रोन में ही कोहिनूर और दरिया नूर जो ये लगे हुए थे, जो तख्त था मुगल्स का, क्योंकि मुगलों को एक बेइज्जती, कहते ना कि तुम्हारी जो सबसे प्रिय चीज है हम वही ले जाएंगे, तो पीकॉक थ्रोन ऐसा ट्रॉफी ले गया था ताकि इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हो, बड़ा झटका लगे कि देख लो हमसे अगर टकराओगे तो ये हाल होगा। और पीकॉक थ्रोन ये बहुत ही बढ़िया बड़ा पैसा था, मतलब इसमें पूरे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, कोहिनूर और दरियाए नूर जो इतने, मतलब अगर हम हीरो की बात करते हैं तो कोहिनूर की ही बात आती है, दरियाए नूर ये बहुत बड़े बड़े हीरे थे, आज तो अरबों में इनकी कीमत है। तो पीकॉक थ्रोन पे लगे हुए थे, वो नादिर शाह ले गया एज अ ट्रॉफी ले गया, और बहुत लोगों को उसने लूट खसोट करने के बाद वो मान गया, और फाइनली वो भारत से रवाना होता है मई में, नई मई 1739 में वो भारत से रवाना हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, 7 हजार करोड़ रुपए लेके गया, 700 मिलियन रुपीज भी लेके गया, इतने सारे, ठीक है, बहुत सारे, इतना पैसा लेके गया, पूरा खजाने सब कुछ लूट लिया था, इतना लूटा था, इतना लूटा था कि जब वो वापस ईरान गया उसने 3 सालों तक टैक्स ही नहीं लगाया, और मोहम्मद शाह की बेटी को भी ले गया कि मैं अपने बेटे से उसका विवाह कराऊंगा। तो इतनी बुरी कैंपेन थी, 700 एलिफेंट्स, 400 ऊंट, 12,000 हॉर्सेस सब ले गया, 3 साल तक उसने टैक्स नहीं लगाया, इतना भारत को लूट के गया था। मोहम्मद शाह की ऐसी बेइज्जती हुई, हंसी का पात्र बन गए। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कत्लेआम इतना, लोग इतने ज्यादा मरे, लोगों ने अपनों को खोया, और उसके बाद फिर और स्लेव बना के यहाँ पे लेकर, बड़ी बेइज्जती थी, बहुत ज्यादा एक तमाचा था, ठीक है, मोहम्मद शाह के मुंह पे। तो ये सारी चीजें हुई, अब बहुत सारे रीजन है दोस्तों, सबसे मेन यहाँ पे औरंगजेब की जो पॉलिसी थी उसने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया था, सपोर्ट उसने मांगा ही नहीं, उसने मराठाओं को अलग कर दिया, उसने पंजाबी सिखों को अलग कर दिया, सिखों से तो खैर बहुत ही ज्यादा दुश्मनी थी, उनका तो खैर साथ आने का कोई सवाल ही नहीं था, राजपूतों को अलग कर दिया, तो ये सारी चीजें जो पॉलिसी थी यहाँ पे औरंगजेब की एकदम अलग कर दिया, और वहां से ही डिसइंटीग्रेशन जो है वो मुगल्स का वो शुरू हो जाता। लेटर मुगल्स बहुत ज्यादा कमजोर थे, अगले 100 साल तक जो राज चला है वो बहुत ही बेकार चला है, किसी को मालूम ही नहीं था कि करना क्या है, और इसी दौरान ब्रिटिश भी आ गए, ब्रिटिश ने भी भारत पर कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीजें थी, उसके बाद इसकी जो और कैंपेन्स है वो चलती रहती हैं, आखिरी बैटल इसने बैटल ऑफ कार्स लड़ी थी 1745 में, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नादिर शाह का जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो और क्रूर होता जाता है, और गुस्सैल होता जाता है, एक डेस्पोटिक रूलर होता जाता है, लेकिन ज्यादा दिन इसका रूल चला नहीं, और हम ये देखते हैं कि 1747 में इसका देहांत हो गया, इनफैक्ट इसी के ही लोगों ने इसको मार दिया था, ठीक है, सो रहा था मार दिया था, क्योंकि इनके लोगों को ये लग रहा था और इनके फैमिली को ये लग रहा था कि नादिर शाह हमको ना मार दे, तो इसको मार दिया गया था। तो 1747 में अफशार डायनेस्टी का यहाँ पे अंत होता है और नादिर शाह का भी यहाँ पे अंत होता है, लेकिन जीते जी तो इसने भारत में ऐसा इन्वेड किया कि हालत खराब कर दी थी, इतना कत्लेआम किया। तो यही चीज होती है अगर सपोर्ट ना हो, और ये एक जिंदगी के लिए भी लेसन हो कि भैया हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखो, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो कुछ नहीं पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।